भेड़िया मानो ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं का सबसे भयानक जीव रहा है। बहुत से लोगों का मानना है कि यह केवल एक कोरी कल्पना है, लेकिन इतिहास के दस्तावेजों में वर्वुल्फ की कई घटनाएं देखने को मिलती है। यहाँ तक कि चिकित्सा विज्ञान में भी इसे क्लिनिकली लाइकेंथ्रोप की इंडिकेशन दी गई है। क्लिनिकली लाइकेंथ्रोप एक ऐसा मेंटल स्ट्रोम है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि वह एक जानवर है और उसकी सभी योग्यताएं भी रखता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्लिनिकली लाइकेंथ्रोप केवल मिथिकल जीवों से संबंधित रखता है, जिसमें इंसान अपनी अवस्था की पहचान भूलकर खुद को एक भेड़िया समझने लगता है और बहुत अजीब बिहेवियर अपना लेता है, जिसमें कि गुर्राना, भेड़िए की तरह खाना और चलना है। दोस्तों, अक्सर आपने किस्से और कहानियों में सुना होगा कि कोई इंसान केवल पूर्णिमा की रात को ही भेड़िया बनता है, लेकिन क्लिनिकली लाइकेंथ्रोप के केस में ऐसा नहीं है। इसमें इंसान कभी भी भेड़िए की प्रवृत्ति अपना लेता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि रियल वर्वुल्फ के होने का सबूत देती है। पीटर स्टक। पीटर स्टक का जन्म 15वीं सदी के दौरान जर्मनी के राइनलैंड में हुआ। उस वक्त ये कोई भी नहीं जानता था कि यह शख्स आने वाले समय का बैडबर्ग का वर्वुल्फ कहलाएगा। सन 1564 से 1588 तक पीटर ने लगभग 18 लोगों को मौत के घाट उतारा था। उन मरने वालों में सब औरतें और बच्चे थे। पीटर ने केवल अपने हाथों और दांतों से ही लोगों को मौत के घाट उतारा था और कई केसेस में तो उसने अपने विक्टिम को कच्चा ही चबा डाला था। उसने इसी तरीके से कई खुखार जानवरों का भी शिकार किया था। एक घटना के दौरान अधिकारियों ने उसे बड़ी मुश्किल से जाल बिछाकर पकड़ा और काफी टॉर्चर के बाद पीटर ने अपने सारे गुनाह कबूल किए। उसने बताया कि वह बचपन से ही काले जादू में लगा रहता था और एक दिन शैतान ने उसे आदमखोर भेड़िए में बदल लेने की शक्ति दी। कुछ लेखों और किताबों के अनुसार इसके बाद पीटर के शरीर को नुकीले गर्म कांटों से छील दिया गया था और बाद में सरेआम ही मौत के घाट उतार दिया गया था। आज के वैज्ञानिकों का इस घटना के बारे में कहना है कि पीटर ने इल्यूजिनेशन के चलते ही ये सब किया और गांव वालों ने शैतान के डर से उसे बुरी तरह मार डाला ताकि शैतान का साया उन पर न पड़े। मैनुअल ब्लैक रोमासेंटा। रोमासेंटा का जन्म 18वीं सदी के दौरान स्पेन में हुआ था और उसकी परवरिश बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से हुई थी। 6 साल की उम्र तक उसे एक लड़की की तरह पाला गया था। उसके माता पिता उसे बिल्कुल एक लड़की की तरह ट्रीट किया करते थे, जिसके पीछे उनकी क्या मंशा थी यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन रोमासेंटा के दिमाग पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ा। आगे की जिंदगी भी रोमासेंटा की बहुत ही बुरी तरीके से गुजरी। उसकी पत्नी की मौत बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, जिसके बाद वह एक सेल्समैन बन गया। अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए उसे बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद रोमासेंटा पुर्तगाल चला गया और वहाँ गाइड का काम करने लगा। वहाँ पर वह टूरिस्ट को आड़ी तिरछी संकरी पहाड़ियों पर से सैर करवाता था। उसी दौरान पहाड़ियों पर हुई कुछ घटनाओं के चलते वह संदेह के घेरे में आने लगा, क्योंकि कई औरतों और बच्चों को जिसने उन्हें गाइड किया था वह सब रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। और एक ताकतवर इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा हुई इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि मैनुअल ने 5 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें 4 औरतें और एक 12 वर्षीय बच्चा शामिल था। और इसमें सबसे भयानक बात यह थी कि उसने उन लोगों की चर्बी से साबुन बना दिए थे। रोमासेंटा के मुकदमे के दौरान उसने कहा था कि वह क्लिनिकली लाइकेंथ्रोप से ग्रसित है और इन हत्याओं को भी उसने तभी अंजाम दिया था, जिसके बाद रोमासेंटा को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी और इसे स्पेन के इतिहास में सबसे पहला सीरियल किलर कहा जाता है। गायवाडोन बीस्ट। यह कहानी अब तक की बताई गई कहानियों में से सबसे अलग है, क्योंकि इस कहानी में अपराधी एक जंगली जानवर है, एक अनजान रहस्यमय जीव जिसने पिछले बताए गए वर्वुल्फ में से सबसे ज्यादा खून खराबा मचाया। यह घटना शुरू होती है सन 1764 की उस रात से, जब फ्रांस में रहने वाली लड़की अपने घर के बाहर जानवरों को चरा रही थी। तभी उसने देखा कि घने जंगल में से एक खुखार जीव उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। किस्मत से बाहर चलते जानवरों के झुंड की वजह से वह उसमें उलझ गया, जिससे कि लड़की तक न पहुंच पाने के कारण उसकी जान बच गई, जिसके बाद उस जानवर ने अपना रुख गांव की ओर कर लिया, जहां उसने कई लोगों को मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतना सब खून खराबा मचाने के बावजूद भी वह किसी जानवर की तरह नहीं लग रहा था।
जो लोग उस हादसे में बच गए थे उन्होंने उसका हुलिया बयां करते हुए बताया था कि वह एक भेड़िए की तरह लग रहा था और आकार में वह एक जंगली गाय जितना था। उस बीस्ट का आतंक उस गांव में इतना बढ़ गया था कि उस वक्त के राजा किंग लुई द 15 ने उसे मारने के लिए प्रोफेशनल शिकारियों को हायर किया था। इस ऑपरेशन के दौरान कई भेड़ियों का शिकार हुआ लेकिन वह जानवर अभी भी बचा हुआ था। इस ऑपरेशन में फ्रांस के शिकारियों ने लुई द 15 को बताया था कि यह जीव कोई भेड़िया नहीं है बल्कि यह कुछ और ही है। उन दो सालों के हमले में उस बीस्ट ने लगभग 113 लोगों की जान ले ली थी। कुछ समय बाद गांव के ही एक शिकारी ने उसका शिकार किया। लेखों के अनुसार शिकारी ने उस बीस्ट को मारने के लिए चांदी की बुलेट का इस्तेमाल किया था लेकिन आखिर वह कहां से आया था इसका कोई भी सबूत नहीं मिलता है और फ्रांस के लोग आज भी इस घटना से पूरी तरह परिचित हैं। तो दोस्तों आपका इन रहस्यमय मानव वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।